नमस्कार दोस्तों, मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश और मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के संबंध में निरंतर इस चैनल में अपडेट देता रहता हूं, तो एक अपडेट हमारे पास आया है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन कई लोगों की जानकारी में नहीं होगा ये, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ, जैसा हमने थंबनेल में लिखा है कि सरकारी नौकरी की बम्पर भर्ती, तो जी हाँ, ज्यादा बम्पर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रीट एंड काफी ठीक ठाक है, तो कई लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ की, रेलवे पुलिस फोर्स। तो रेलवे पुलिस फोर्स की लगभग हर साल आपकी एक नियमित रूप से वैकेंसी आती रहती है, तो इसकी नई वैकेंसी आपकी आई हुई है और कितने पद हैं, कब तक फार्म भरे जाएंगे, इसका लिखित एग्जाम क्या होगा और शिक्षा क्या है, कौन लोग फार्म भर सकते हैं, इस सब के बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं और इस तरह की जानकारियों से निरंतर अपडेट रहना चाहते हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं आपका, हम पॉइंट पे आते हैं। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स में आपकी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्तियां आई हुई हैं। जहां तक हम पदों की बात करें तो पदों की संख्या आपकी है 4208 पद हैं और इन दोनों पदों में आपका जैसे सिपाही भी है आपका एसआई भी है। और जहां तक फार्म भरने की बात है तो फार्म काफी समय पहले से भरे जा रहे हैं। जी हाँ, 15 अप्रैल से फार्म भरना शुरू हो गया है और अभी डेट इसकी काफी बाकी है, 14 मई 2024 तक फार्म भरे जाएंगे। यदि आपने फार्म नहीं भरा है तो आप फार्म भर दें क्योंकि एक सुनहरा अवसर है और इसका एग्जाम पैटर्न हम बताएंगे आपको, बहुत कठिन नहीं है, इसका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, एक परंपरागत टेक्निकल से संबंध नहीं है इसका, एक जो सामान्य है उसका फार्म भर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी एजुकेशन क्या है, माने कौन व्यक्ति इसके फार्म भर सकते हैं, तो हमने थंबनेल में लिखा 10वीं पास। तो जी हाँ, किसी बच्चे ने यदि 10वीं पास की है तो वो कांस्टेबल आरपीएफ का फार्म डाल सकता है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने स्नातक है, स्नातक का मतलब हमने उसे कुछ भी किया है, बीसीए किया है, बीएससी किया है, आपका बीए किया है या आपका इंजीनियरिंग कोर्स किया है, तो ऐसे सभी लोग एमपी एसआई आरपीएफ का फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आयु की, तो जो जनरल आयु है जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, वो है आपकी 18 से 28 वर्ष। तो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई हो और 28 वर्ष की आयु पूरी ना की गई हो। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को, कुछ कैटेगरी को इसमें जो है वो आयु सीमा में छूट दी गई है। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं ओबीसी की, जी हाँ, तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। यदि हम बात करें एसटी एससी की तो इनको जो है वो 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। चलिए, जो मुख्य है आपका कि एग्जाम होगा इसका, एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, तो हम एग्जाम की तैयारी हमको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश इसके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर चुका है अभी कुछ ही दिन पहले, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा बैच ऑफलाइन है, तो जो भी हमारे पास आ सकते हैं, तो आरपीएफ का स्पेशल बैच हम लोगों द्वारा जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम की, तो जी हाँ, एग्जाम इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा और एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, क्या समय होगा, इसका क्या सिलेबस होगा, तो चलिए उसकी हम बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन होंगे, जी हाँ, जो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट में आपको करना है और हर क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। इस तरह से टोटल आपका जो है वो 120 अंक का होगा आपका ये। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस, जिसको समान रूप से हम जनरल नॉलेज कह सकते हैं, तो इससे आपके जो है वो 50 क्वेश्चन, काफी मात्रा में क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत बड़ा जनरल नॉलेज नहीं आता है, बहुत गहरा जनरल नॉलेज नहीं आता है, ऊपर ऊपर हमको पढ़ना होता है,
आप हमसे अगर संपर्क करेंगे तो क्या क्या पढ़ना है आपको, हम पूरी तरह से आपको स्पष्ट कर देंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके जीए के, इसी तरह से मैथ है तो मैथ के आपके 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग तो रीजनिंग के आपके जो है वो 35 क्वेश्चन आपके जो है वो आएंगे। तो इस प्रकार से 120 क्वेश्चन है और 120 आपके जो है वो अंक होंगे। अब इसके बाद एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आपका जो है फिजिकल एग्जाम होगा, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि इसकी एग्जाम डेट अभी शो नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एग्जाम डेट जो है वो शीघ्र ही नोटिफिकेशन में दी जाएगी। तो हमारा ये अनुमान है कि लगभग हम शो को 4-5 महीने से ज़्यादा समय मिलेगा, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि आखिर हमको इसके जो लिखित एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमको मैसेज में बताइएगा, और इस तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप निसंदेह रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।